तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत। विद्युत होती है वो दो प्रकार की होती है। विद्युत जो होती है वो आपके दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थिर विद्युत, दूसरी होती है गतिज विद्युत। अब गतिज विद्युत दो प्रकार की होती है। गतिज विद्युत दो प्रकार की होती है, एक एसी और दूसरी होती है डीसी। एसी होती है अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरी होती है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट यानी बात करें एसी प्रत्यावर्ती धारा, डिस्ट धारा। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो क्या होती है, अपनी एसी। अब एसी यूज होती है तो बात करते हैं अल्टरनेटर की। अल्टरनेटर उसे अल्टरनेटर और दूसरा होता है एसी जनरेटर। अल्टरनेटर का जो उपनाम है निधि क्या कर लेते हैं, प्रत्यावर्तक। प्रत्यावर्तक ये होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित। धारा जनित, प्रत्यावर्ती धारा जनितर। अब जनितर होता है क्या, यह अल्टरनेटर होता है क्या है। अल्टरनेटर का जैसे परिभाषा की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन अल्टरनेटर कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन को अल्टरनेटर कहते हैं। और अल्टरनेटर होता है जो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कभी भी कोई पूछ ले जो अल्टरनेटर होता है प्रत्यावर्तक होता है वो किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो इसकी रेटिंग होती है, एक अल्टरनेटर होता है प्रत्यावर्तक होती है, उसकी जो रेटिंग होती है वो हमेशा किस में लेते हैं, केवीए में लेते हैं। किस में लेते हैं, केवीए किलो वोल्ट एम्पियर में लेते हैं। ये भी सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बैक्स एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं। अल्टरनेटर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, इसकी रेटिंग क्या होती है। अब बात करते हैं एक अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं क्या होती हैं। मौलिक आवश्यकताएं होती है तीन चीज। पहली चीज होती है चालक, दूसरी चीज होती है चुंबकीय क्षेत्र, और तीसरी चीज होती है सापेक्ष गति। सापेक्ष गति, एक जो अल्टरनेटर होता है वो हमेशा आपके क्या पैदा करता है, एसी। एक अल्टरनेटर होता है वो हमेशा क्या पैदा करता है, एसी पैदा करता है। अब बात करते हैं कि विद्युत वाहक बल पैदा कैसे होता है, विद्युत वाहक बल पैदा कैसे होता है। तो अपने पास देखो ये आपका एन ध्रुव है, ये आपका एस ध्रुव। इसके यदि मैं क्षैतिज में किसी चालक को रखूं, क्षैतिज में किसी चालक को रखूं तो इसमें जो आपको मिलेगी वो अधिकतम विद्युत वाहक बल यानी अधिकतम आउटपुट मिलेगी। उसके बाद में ये कंडीशन क्या आ रही है,
एन के क्षितिज में इसलिए अधिकतम विद्युत वाहक बल पैदा हुआ, अधिकतम करंट पैदा हुई। अब यदि इसके लंबवत हो, यदि इस चुंबक के क्षेत्र के चालक अपना क्या है लंबवत हो, इसके क्या है लंबवत है, तो इसमें क्या होगा शून्य। फिर ये अधिकतम इस प्रकार से किसी चुंबक के क्षेत्र में किसी चालक को इस प्रकार से घुमाया जाए कि चुंबक के बल रेखाओं का छेदन हो, तो उस प्रत्येक कंडक्टर के अंदर एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। ये चीज हो गई। अब क्या होता है, एक अल्टरनेटर होते हैं, उसके तीन भाग होते हैं, स्टेटर जो बॉडी के अंदर स्टेटर, दूसरा होता है रोटर, तीसरा होता है एक्साइटर। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी, बॉडी का योग। मशीन के बाह्य भाग को बॉडी बोलते हैं। छोटी जो मोटर होती हैं वो कास्ट आयरन से बनी होती हैं, जो बड़ी मोटर होती हैं वो कास्ट स्टील से बनी होती हैं, और ये मशीन के सभी भागों की सुरक्षा करता है और चुंबक के बल रेखाओं के लिए एक मार्ग स्थापित करता है। अब स्टेटर क्या होता है, जिसके अंदर थ्री फेज की सिंगल फेज की वाइंडिंग की होती है। रोटर क्या होता है, चुंबक के क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग होता है। और रोटर क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं अल्टरनेटर, एक होता है सेलिएंट प्रकार का रोटर, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल प्रकार का रोटर। सेलिएंट प्रकार का जो रोटर होता है वह स्टेनलेस स्टील से बना होता है, निम्न गति के लिए काम में लिया जाता है, इसका व्यास अधिक होता है, व्यास अधिक होता है, लंबाई कम होती है सेलिएंट पोल की, और यह चलते समय आवाज पैदा करता है, चलते समय आवाज पैदा करता है, और पोल्स इसके अंदर ज्यादा होते हैं, जैसे ज्यादा होता है, इसलिए कम गति के लिए सेलिएंट पोल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल क्या होता है, उच्च गति के लिए काम में लिया जाता है, उच्च गति के लिए काम में लिया जाता है, और इसका लंबाई अधिक होती है, व्यास क्या होता है कम होता है, बेलनाकार होता है। अब बात करें हम इस अल्टरनेटर के अंदर कि भाई ये होता कैसे, जैसे कि मान लो आपके ये जो आपका अल्टरनेटर है पोल है, उसके अंदर आर्मेचर घूम रहा है, वो विद्युत वाहक बल पैदा करता है। ये रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार है, रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार का। और दूसरा जो होता है ये इसके अंदर वाइंडिंग कर रखी है। देखो बाद में मैं पूर्णते सर्किट डायग्राम से पूरी चीज बता दूंगा, अभी एक दफे रफली बता रहा हूं। यहाँ पर आप सिंगल पेज या थ्री पेज का अल्टरनेटर हो सकता है, ये रोटेटिंग फील्ड प्रकार का अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर होता है सबसे ज्यादा, ये क्या होता है निम्न मान के होते हैं, ये होते हैं उच्च मान के होते हैं। अब बात करते हैं आउटपुट की, एक अल्टरनेटर के आउटपुट की, आउटपुट
अब जो सिंगल बेस का अल्टरनेटर है, सिंगल बेस का जो अल्टरनेटर है उसके अंदर दो स्लिप रिंग होगी, कितनी होगी, दो स्लिप रिंग होगी। और जो थ्री फेज का अल्टरनेटर है, थ्री फेज का अल्टरनेटर है यदि वो डेल्टा कनेक्टेड है तो उसमें तीन स्लिप रिंग होगी, और स्टार कनेक्टेड है तो उसमें चार स्लिप रिंग होगी। अब ये दो प्रकार के होते हैं, स्वयं उत्तेजित और पृथक उत्तेजित, स्वयं उत्तेजित और पृथक उत्तेजित। तो स्वयं उत्तेजित और पृथक उत्तेजित अगले टॉपिक में आपके लेंगे। अल्टरनेटर में वो होता है E बराबर बी एल वी साइन थीटा। इसके क्या होते हैं, ये मुख्य पार्ट होते हैं। बी फ्लक्स घनत्व वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में, लंबाई मीटर के, वेग सापेक्ष गति, और साइन थीटा जिन जिन स्थितियों के अंदर चुंबक के बल रेखा कटती है।